की सुबह 11 बजे के करीब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर सोरी कट के निकट एक मिनी बस पलट गई, जिससे बस में सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। नेपाल देश के रापती प्रदेश के जनपद गोराइज गाँव के कई निवासी पानीपत में चौमीन का काम करके अपना गुजारा करते थे। लॉकडाउन के दौरान काम बंद हो जाने के बाद सभी विदेशी एक मिनी बस करके अपने घर की ओर निकल पड़े। जब उनकी बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे सोरिक थाना क्षेत्र के पहुंची, तो चालक को झपकी आ गई, जिससे बस अनसुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। नाम आपका? क्या घटना घटी? कितने लोग सवार थे? क्या हुआ? क्या हुआ? दुर्घटना हुई। ड्राइवर सो गया। कृष्णनगर जा रहे थे। कृष्णनगर कहाँ पे? कृष्णनगर बॉर्डर से नेपाल जा रहे थे। क्या करते पानीपत में? क्या कर रहे थे? हाँ जी, पानीपत में क्या करते थे? हम चौमिन की तरफ से बोल रही है। ये मैं आ रहा था पानीपत से। चलो फिर करेंगे। 17 लोग मेरी गाड़ी में, और मैंने इनको दो जगह कहा भी है भाई, मेरे को झपकी आ रही नहीं थी मेरे को सुना, लेकिन इन्होंने क्या करा तो कहना हमारे को जल्दी बचाओ, और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने कहा भाई अब ये जल्दी के चक्कर में मैं रेस्ट कर लेता हूँ, एक घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चल पड़ूँगा, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया मेरे को। यहाँ आके फिर थोड़ी झपकी आ गई, झपकी आई वो टायर लगा डिवाइडर को, डिवाइडर से टायर फटा और यहाँ तक आई गाड़ी पड़ी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।